नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए विकल्प की पेशकश की है। शुक्रवार को इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के लोग ये फैसला ले सकेंगे कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की तरफ से किए जा रहे कश्मीर को प्रांत बनाने की योजनाओं के दावे को भी खारिज किया है। हालांकि भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के मद्देनजर तरार खाल पहुंचे खान ने कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाए जाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये बातें कहां से उठ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर अपना भविष्य तय करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उस दिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने पीओके में 18 जुलाई को आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि कश्मीर का दर्जा बदलने और उसे प्रांत बनाने का फैसला ले लिया गया है। खान ने कहा कि यूएन मैंडेटेड रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के बाद उनकी सरकार एक और जनमत संग्रह करेगी। इसमें कश्मीर के लोगों को यह विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र राज्य रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में पिछले 3 दिनों के अंदर कम से कम 5 तालिबानी आतंकियों को अमेरिका ने हवाई हमलों में मार गिराया है। अमेरिकी सैन्य बलों ने तालिबान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। पिछले 52 घंटों में अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अमेरिकी वायुसेना लगातार हवाई हमले कर रही है। हेलमंद के गर्मसिर जिले में तालिबान के एक वाहन को निशाना बनाकर खाक किया जा चुका है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी और नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बीच तालिबान ने अफगान रक्षा सेनाओं से भीषण युद्ध छेड़ दिया था। इसके अलावा शाहवाली कोट जिले में 2 अमेरिकी हवाई हमले हुए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना का फोकस अफगानिस्तान में आतंकवाद रोधी माहौल बनाना है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा अलकायदा पर भी नजर रखेगा। आपने चांद तो कई बार देखा होगा, इसके अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं के बारे में देखा, पढ़ा और सुना होगा, पर पहली बार वैज्ञानिकों ने चांद को बनते देखा है। यह घटना हमारे सौर मंडल से दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम में हो रही है। ये चांद बृहस्पति जैसे ग्रह के छल्लों के अंदर बन रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर भी ली है जिसमें ग्रह के चारों तरफ नारंगी लाल रंग का छल्ला दिख रहा है। उस छल्ले के अंदर चांद बनता हुआ नजर आ रहा है। अपनी धरती से यह बृहस्पति जैसा ग्रह 370 प्रकाश वर्ष दूर है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित ALMA ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने यहां की ताकतवर दूरबीनों से इस चांद की तस्वीरें ली हैं। ये चांद जिस ग्रह के किनारे बन रहा है वो हमारे बृहस्पति ग्रह जैसा है, जिसके चारों तरफ गैस, धूल और पत्थरों का एक बड़ा छल्ला है। इस ग्रह के चारों तरफ 3 चांद होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें से 2 बन चुके हैं, एक का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अपने सौर मंडल के बाहर अब तक 4400 ग्रहों की खोज की है, जिनमें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इस नए बनते चांद का नाम है PDS-70C। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली मुकादम की बेटी नूर मुकादम की इस्लामाबाद में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शौकत अली मुकादम दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। इन्वेस्टिगेशन ना करने वाले अधिकारी ने बताया, पहले नूर को गोली मारी गई, फिर किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। इस घटना में एक और घायल व्यक्ति हुआ है। इस सिलसिले में जहीर जाफर नाम के एक व्यक्ति और साजिश में साथ देने के आरोप में नूर के एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख आरोपी जाफर इस्लामाबाद की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का बेटा है। पुलिस के मुताबिक नूर ने जाफर से ब्रेकअप किया था, जिसके चलते जाफर ने उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को नूर आरोपी से मिलने उसके घर गई थी। उसके बाद से ही उसने अपने पिता से कोई संपर्क नहीं किया है। अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए एक बार फिर तालिबान राजी हो गया है। तालिबान का कहना है कि वो सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में एक नई बातचीत वाली सरकार नहीं बन जाती और मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा दिया नहीं जाता।
अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने कई स्ट्रेटजिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और कई प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा संभव है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि जब काबुल में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को स्वीकार्य सरकार स्थापित हो जाएगी और गनी की सरकार चली जाएगी तो तालिबान अपने हथियार डाल देगा। शाहीन ने गनी पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है, कहा कि 2019 में चुनाव में गनी ने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करके सत्ता हथियाई थी। चुनाव नतीजों के बाद गनी और अब्दुल्ला दोनों ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। तो वहीं ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वॉलेंस ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कोविड 19 से पीड़ित 40% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दो डोज मिली है। पहली नजर में यह बहुत गंभीर और खतरे की घंटी बजाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। टीके की दोनों डोज लेने के बावजूद लोगों में कोरोना के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कई कारण हैं। दरअसल कोविड के टीके बेहद प्रभावी हैं, लेकिन 100% नहीं। फ्लू के टीके भी 100% प्रभावी नहीं होते हैं। फिर भी अकेले अमेरिका में फ्लू की वैक्सीन से बीमारी के लाखों मामलों, 10,000 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और हर साल हजारों मौतों को रोकने का अनुमान है। कोविड की वैक्सीन भी अभी यूके में ऐसा ही कर रही है। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या और मौतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं भी उस स्तर के करीब नहीं है जैसे सर्दियों में थी। तब लगभग 3,800 लोगों को हर दिन कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संयुक्त अरब अमीरात इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है। इसके दुबई शहर ने 50 डिग्री के तापमान से छुटकारा पाने के लिए टेक्नोलॉजी के सहारे बारिश कराने का फैसला किया है, क्योंकि उसे लगा कि इतनी गर्मी में वो प्रकृति के भरोसे बैठे नहीं रह सकता है। उसने कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और शहर के लोगों ने झमाझम बारिश का मजा लिया। कई इलाकों में तो इस तकनीक से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ गया। हालांकि यह तकनीक अभी भी ट्रायल में है, लेकिन इसकी कामयाबी इसे आगे भी जारी रखने का कारण बन सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेटियोरोलॉजी ने कृत्रिम बारिश के आइडिया पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। इसकी वजह से यह हर साल होने वाले लू के थपेड़ों से बचने का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि औसत बारिश में वहां हर साल कुछ ना कुछ कमी ही दर्ज होती जा रही है। यूएई ने इस काम पर 2017 से ही फंड लगाना शुरू कर दिया था। इसकी अगुवाई यूनाइटेड किंगडम स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर मार्टिन अंबान कर रहे हैं। इसके लिए खास तरह के ड्रोन बनाए गए हैं जो कि बादलों में इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़ते हैं और उसके बदले धरती पर बारिश की रिमझिम फुहारें गिरने लगती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह नहीं पता लग सका है कि आखिरकार दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस पैदा कहां हुआ, या यूं कह लें कि चीन चाहता ही नहीं कि दुनिया में कोई यह जान सके। तमाम रिपोर्टों में यह दावा किया जा चुका है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला, लेकिन ड्रैगन ने इस थ्योरी को बेकार साबित करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। अब एक बार फिर से चीन ने लैब थ्योरी की जांच को कॉमन सेंस का अपमान बताया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दूसरे चरण के अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात की। WHO ने यह भी कहा कि इस बार चीन के लैबों की जांच भी की जानी चाहिए। दरअसल अमेरिका सहित तमाम देशों की ओर से चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जांच कराए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इसी सप्ताह में अमेरिका उप विदेश मंत्री वेंडी चेनमन शिंग के दौरे पर भी रहने वाली हैं। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि कोरोना महामारी का पहला मामला दर्ज होने से पहले ही चीन की वुहान लैब के कुछ वैज्ञानिक बीमार पड़े थे और इनमें कोविड जैसे ही लक्षण देखे गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि बीमार पड़े कुछ वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद भी चीन ने लैब लीक की थ्योरी को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। तो जहां पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है और पूरी दुनिया एक होकर सीधे आरोप लगाती है चीन पर, चाइना पर, कि वहां की वुहान लैब से कोरोना का जन्म हुआ है, लेकिन चाइना ने आज तक इस थ्योरी को मानने से इंकार किया है। जहां एक तरफ
पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कहते थे कि यह चाइनीज वायरस है, लेकिन चाइना ने कभी इस बात को नहीं माना। वहीं चाइना की वुहान लैब पर भी लगातार आरोप लगते रहे, कई तरह तरह की थ्योरीज भी सामने आती रही कि इस वजह से वहां से कोरोना विकसित हुआ, कोरोना का जन्म हुआ, लेकिन कभी भी चाइना ने इस बात को नहीं माना है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में उसके वकीलों ने लंदन में हाईकोर्ट से कहा कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के असर के कारण उसके आत्महत्या करने की आशंका बढ़ जाएगी। भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद नीरव को इसी जेल में रखे जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति मार्टिन चेंबरलेन ने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आगे की सुनवाई में फैसला होगा कि पूर्व में जिला न्यायाधीश सैम गूज की तरफ से प्रत्यर्पण के आदेश और अप्रैल में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल की तरफ से इसे मंजूरी दिए जाने के खिलाफ लंदन में हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई करने की आवश्यकता है या नहीं। दक्षिण पश्चिमी लंदन में वेंटवर्थ जेल में कैद नीरव डिजिटल तरीके से सुनवाई में शामिल हुए। भारतीय प्राधिकारों की तरफ से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की वकील हेलेन मेलकम ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि नीरव की मानसिक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है और भारत सरकार से आश्वासन मिला है कि जरूरत हुई तो मुंबई में उसकी चिकित्सीय देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा, राजनयिक स्तर पर इस तरह के आश्वासन का कभी उल्लंघन नहीं होता है। ब्रिटेन की गृह मंत्री की तरफ से पेश वकील ने भी यही दलील दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीरव मोदी को भारत लाए जाने की संभावना इनकी लगातार बनी हुई है और कभी भी भारत लाए जा सकते हैं। नीरव मोदी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में शामिल हो रहे हैं डिजिटल तरीकों से, लेकिन भारत प्रत्यर्पण के बाद अगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता दिखता है तो उनको यहां पर चिकित्सीय सेवाएं भी दी जाएंगी। हैती के दिवंगत राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे के अंतिम संस्कार से पहले उनके गृह नगर के पास प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद सैकड़ों कामगार अपने काम धंधे छोड़कर भाग गए। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, कारों के एंट्री करने या बाहर जाने से रोक लगा दी गई। क्वार्टर मोरिन को कैंप हैतियन से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई कामगार भागते दिखे। कैंप हैतियन शहर में शुक्रवार को मोइसे के अंतिम संस्कार के मद्देनजर उन्हें सम्मानित करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। भाग रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने टायरों को जलते हुए और मोइसे के लिए न्याय की मांग करते हुए हथियारबंद लोगों को देखा। मोइसे की उनके निजी घर में गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से देश में यह पहला हिंसक प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक दिन पहले एरियल हेनरी ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देश की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में जोवेनल की पत्नी मार्टिन मोइसे शनिवार को अचानक हैती लौटने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखी। 7 जून को हुए हमले में घायल होने के बाद उनका मियामी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्राधिकारियों ने बताया है कि हत्या की जांच के सिलसिले में कम से कम 26 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कोलंबिया के पूर्व 18 सैनिक और हैती के 3 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस प्रमुख लियोन चार्ल्स ने मंगलवार को बताया कि कम से कम 7 पुलिस अधिकारियों को अलग रखा गया है, लेकिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जोवेनल मोइसे का अंतिम संस्कार था, जहां पर यह प्रदर्शन हुआ, हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार हिंसा भड़की। आपको बता दें कि उनको उनकी निजी घर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार था जहां पर यह हिंसक घटना हुई है। तो वहीं पेगासस जासूसी कांड में पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने भारत पर पाक पीएम इमरान खान की जासूसी कराने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यूएन से इजरायली मूल के स्पाइवेयर पेगासस के उपयोग को लेकर भारत के बारे में रिपोर्टों की जांच करने की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश मामलों के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद इस मामले को उपयुक्त वैश्विक प्लेटफॉर्मों के ध्यान में लाना चाहता है। हफीज चौधरी ने कहा, भारत सरकार की तरफ से इजरायली स्पाइवेयर के इस्तेमाल से अपने नागरिकों, विदेशियों और प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी करने का खुलासा किया गया है। जाहिद हफीज चौधरी ने आगे कहा कि इतने बड़े स्तर पर सर्विलांस और जासूसी का ऑपरेशन राज्य व्यवहार के वैश्विक मानदंडों का सीधा उल्लंघन है। बता दें कि हाल में ही पेगासस डेटा लीक पर अलग अलग मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स में स्पाई सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग की बात कही गई है।
साथ ही कहा गया है कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की तरफ से इस्तेमाल किया गया नंबर भी NSO ग्रुप और उसके पेगासस मॉलवेयर के निशाने पर था। तो पेगासस सॉफ्टवेयर जिस पर लगातार रार छिड़ी हुई है भारत में भी कि इससे कई लोगों की जासूसी की गई। वैसे में पाक पीएम इमरान खान भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन पर भी पेगासस के जरिए जासूसी की गई और इसका सीधा आरोप वो भारत पर लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने पेगासस के जरिए उन पर जासूसी की है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी आलाकमान ने ये निर्देश दिए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश भर में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। कार्य समिति में यह साफ किया गया कि सेवा कार्यों से ही उत्तर प्रदेश उत्तम और अग्रणी प्रदेश बना है। लखनऊ में हुई बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर और घर घर संपर्क कर पार्टी की योजनाओं और विचारधारा से लोगों को अवगत कराते हुए ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। बंसल ने इस दौरान कहा कि जनसंघ की शुरुआत कभी 5 सदस्यों की टीम के साथ हुई थी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी इकाई बन गई है। वैसे में जब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और आलाकमान के निर्देश के बाद कहा गया है कि सभी दिग्गज इस बार मैदान में उतरेंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी। बाराबंकी में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे ने सभी को दहला दिया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा देवा थाना क्षेत्र के बदरुद्दीन गांव के पास हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सीतापुर जिले से बाराबंकी केमजीठा में स्थित नाग देवता के मंदिर जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण हादसा बाराबंकी में हुआ है। ये भीषण हादसा तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। 4 की मौत हुई है और जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी जो बस है वो पलट गई, जिसमें 36 घायल हुए और 4 की दर्दनाक मौत। वहीं ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत ना होने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की कोई मौत होने का रिकॉर्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। सिंहदेव ने कहा कि हम पहले से ही COVID-19 से संबंधित मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। सिंहदेव ने कहा कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार किया जा रहा है। पारदर्शिता लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। तो ऑक्सीजन को लेकर जो रार छिड़ी हुई है केंद्र की तरफ से, ऐसा कहा गया कि किसी भी राज्य से यह नहीं कहा गया है कि ऑक्सीजन की वजह से वहां कोई भी मौत हुई है। तो ऐसे में सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है। जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि केंद्र का
ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि केंद्र का कहना है कि उन्हें राज्य से किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले कीमन कोट तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब पीआईए विमान की शक्ल का एक गुब्बारा खेतों में मिला। जैसे ही लोगों ने गुब्बारा देखा, तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार करीब 9 बजे के आसपास नियंत्रण रेखा के नजदीक गांव बलनोई में मलिक मोहम्मद शरीफ के खेतों में पीआईए लिखा नीले और सफेद रंग का गुब्बारा देखा गया। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि यह गुब्बारा कहां से और कैसे यहां तक पहुंचा है। हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में सफलता हाथ नहीं लगी है। बता रहे हैं कि पुंछ जिले में 6 महीने में यह दूसरा मौका है जब इस तरह का गुब्बारा बरामद किया गया है। इसमें पहले मनकोट तहसील के गांव में भी इसी तरह का गुब्बारा देखने को मिला था। इससे पहले जम्मू पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक और नापाक साजिश को नाकाम करते हुए एक ड्रोन मार गिराया था। इस ड्रोन में 5 किलो आईईडी अटैच किया हुआ था। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने बताया है कि जम्मू पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू में ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिरा सकता है। सूचना के आधार पर जम्मू पुलिस ने संदिग्ध इलाके में एक एम्बुश लगाया और रात करीब 1 बजे जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में करीब 6.5 किलोमीटर अंदर पहुंचकर पेलोड गिराने लगा, उसी वक्त फायरिंग कर ड्रोन को गिरा दिया गया। तो पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आतंकी संगठन लगातार नापाक कोशिश कर रहा है कि किस तरह से भारत में किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके, लेकिन भारतीय सैनिक और पुलिस लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेरती नजर आती है। वायरस के लगातार बदले रूप को देखते हुए भविष्य में टीके की अगली पीढ़ी को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है, यह कहना है एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने कहा, समय के साथ इम्यूनिटी में गिरावट होगी और ऐसे में लगता है कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी। उन्होंने साफ किया कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी के टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे। इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है। इस साल के अंत तक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, लेकिन यह तभी होगा जब एक बार पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाए, उसके बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण चल रहा है। उम्मीद है कि सितंबर तक इसके नतीजे आ जाएंगे। गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों के लिए टीके आ जाएंगे, उसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी बीते साल 27 जनवरी के बाद से लगातार हमारे देश में अभी तक फैली हुई है। पहली लहर से जिस तरह हम लोग लड़े, जीते, निकलकर बाहर आए, लेकिन दूसरी लहर ने एक गहरी चोट इस देश को पहुंचाई, तो वहीं तीसरी लहर जो सीधे दरवाजों पर खड़ी है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक समाधान है, वो है सुरक्षा और दूसरा है वैक्सीन। तो वैक्सीन लगाने को लेकर लगातार आशंकाएं भी व्यक्त की गई। पहले राज्यों पर इसका दारोमदार छोड़ा गया, लेकिन बाद में केंद्र ने इसको अपने हाथ में लेते हुए पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही। अब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है हमारी अगली पीढ़ी को, क्योंकि अभी जो तीसरी लहर आने वाली है वो अनुमानित है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, और बच्चों पर प्रभाव पड़ने को देखते हुए अब बच्चों पर इसका परीक्षण चल रहा है कि अब 18 साल से कम उम्र के लोगों पर कोरोना का टीका लगाया जाए या ना लगाया जाए, इसका परीक्षण लगातार जारी है। वहीं रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जो अगली पीढ़ी है उसको बूस्टर डोज लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। कोरोना वायरस महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान भारत के 119,000 बच्चों समेत 21 देशों में 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है, उनकी देखभाल करते थे। एनआईडीए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएएच के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 25,500 बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,751 बच्चों ने अपने पिता को और 12 बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया। ज्यादातर बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को गवाया है। एआईएच ने कहा कि कुल मिलाकर
15,62,000 बच्चों ने माता पिता में से कम एक या देखभाल करने वाले लोगों में से किसी एक को या अपने साथ रह रहे बुजुर्ग रिश्तेदार को खो दिया। इसमें कहा गया है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा बच्चों ने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खोया है उनमें दक्षिण अफ्रीका, पेरू, अमेरिका, भारत, ब्राजील और मैक्सिको शामिल है। देखभाल करने वाले प्राथमिक लोगों में कोविड के कारण मौत की दर वाले देशों में पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, अमेरिका, अर्जेंटीना और रूस शामिल है। फिलहाल के लिए देश दुनिया के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।